यहाँ पर शूट चल रहा है। जय श्री राम आप सभी को। तो गाइस आज का हमारा शूट है और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और अभी हम नहा धोकर सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, उसके बाद हमारे सेट पे जाएंगे। सेट पे कुछ 1 घंटा रिहर्सल होगी और उसके बाद में हमारा शूट होगा। तो चलते हैं। धोके तैयार हो गए और अब मेरी बारी नहाने की, तो चलते हैं। और ये देखो हमने कपड़े कैसे फैला रखे हैं गाइस। ये देखो 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 कमरे की क्या हालत की हुई है हमने। लुक एट दिस गाइस, क्योंकि अपन ऐसे ही है, अपन इंडिया वाले हैं। वी आर फ्रॉम इंडिया। जो पैसे उन्होंने खर्च किए वो वसूलने भी तो हैं रूम के। तो गाइस नहा लिए हैं, नहा धो के और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और बाल एकदम ऐसे हुए पड़े हैं भूत जैसे, बाल एकदम सूखे पड़े हैं एकदम, क्योंकि हमने 2-3 दिनों से हेयर ऑयल नहीं लगाया है। हेयर ऑयल लगाएंगे कहाँ से, हेयर ऑयल मिलता ही नहीं है। चलते हैं नाश्ता करने के लिए। चलो डैड, चलो पापा नाश्ता करना चलते हैं। कार्ड या नू लगाओ अपना। चलो पापा मम्मी से बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ना रहे। नो मनी नो हनी। हम बच गए लॉक करने से। ये हमने मर कर दिया लॉक। ओ पापा को शायद ज्यादा ही भूख लग रही है। पापा भक भक के जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और नाउ आई थिंक आई हैव टू रन अपनी कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े टीवी शो में। तो डू एंड डाई वाला काम है इधर जो हमको करना है, क्योंकि अब हमारे देश को प्रेजेंट करने वाले हैं। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमारी लिफ्ट आ गई है और सबसे सबसे मेन चीज़ गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, डैडा और मेरे कपड़े सेम है एकदम, हम दोनों एकदम सेम है। लेकिन स्मार्ट मैं हूँ, डैडा नहीं है। हाँ वाउचर निकालिए अभी 2 आदमी का आज की डेट के लिए, आज की डेट के लिए हमारे ब्रेकफास्ट वाउचर और अभी हमको देने होंगे नाश्ता करने के लिए। GT 7:30 मॉर्निंग। सो इधर नाश्ता चल रहा है, ये सब GT परफॉर्मर्स है। सबका नाश्ता हो गया कंप्लीट। ये इनमें से आधे ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स हैं, दे ऑल आर आर्टिस्ट्स। ये सभी परफॉर्म करेंगे आज। नाश्ता हो गया है पूरा कंप्लीट, हमने नाश्ता कर लिया है। एंड व्हाट इज दिस हैपनिंग आउटसाइड। तो और थोड़ा घूम लेते हैं। अब हम आए हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए स्विमिंग पूल, पूल साइड थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर वेट 11 बजने का वेट करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। एडिटिंग साइड थोड़े बाद में दिखाऊंगा, अभी हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके आए हैं और थोड़ा सा घूम के हमने रूम पे आ गया। 1 से 2 घंटे के बाद में हमको जाना है वापस सेट पे, और सेट पे जाके हमारी रिहर्सल होगी और उसके बाद देखते हैं। जब हम जा रहे हैं रिहर्सल के लिए, हमारे रिहर्सल का टाइम हो गया है एंड मेरे और पापा चल दिए रिहर्सल करने। सो वी आर गोइंग टू रिहर्स। लुक एट द क्राउड गाइस। No, in the audition, audience here. They will be in the audience. Yeah. Already checking her here. After that, we will go to the rehearsal area. We have passed the member and here we are in the rehearsal.
समय इंतजार कर रहे हैं तो रिहर्सल हो गया, मैं भी रिहर्सल लिया है। रिहर्सल हो गया तो बाद में कुछ टाइम बाद में आपको जी के साथ दिखा रहे हैं। रिहर्सल चल रही है, अभी रिहर्सल किया है और हमारी रिहर्सल स्टेज पर होने वाली है। सो यस, ये मटके को साथ में लाने रखना है कि स्टेज पर ले जाएगा? स्टेज पर तो आप उसके साथ जा रहे हैं? हाँ नहीं, अपन भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में ले जाएंगे अपन। अभी अभी हमने रिहर्सल खत्म किया और अब हमारी रिहर्सल होगी स्टेज पे और अभी चलते हैं चेंज करने के लिए बिकॉज अभी चेंज करके आते हैं, उसके बाद हमारी रिहर्सल होगी। तो गो टू द चेंज, अभी रिहर्सल करके आए हैं और अभी हमारे पास में बस 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर मुझे कॉस्ट्यूम पहननी पड़ेगी क्योंकि हमें स्टेज पे कॉस्ट्यूम चेक करने वाले हैं और स्टेज पर रिहर्सल होने वाली है। सो वी आर ओनली 5 मिनट्स, वी आर इन हरी, तो अभी जल्दी वर्क स्टार्ट करूँगा। हम रेडी हो गए हैं और अब हमारी स्टेज पर रिहर्सल है। अब हम जा रहे हैं स्टेज पर रिहर्सल करने के लिए और वहाँ पे हमारे क्लॉथ्स वगैरह चेक होंगे। मेरे पापा जा रहे हैं स्टेज पर रिहर्सल करने के लिए एंड वी आर इन हरी क्योंकि हमारे पास में बहुत कम टाइम है, वी डोंट हैव मच टाइम। I'm going to Riyaz on stage. Super duper excited. पापा ने और मैंने स्टेज पर रिहर्सल किया और सब कुछ बढ़िया हो गया और आपको स्टेज दिखाता हूँ। अब हमारा कुछ शूट होने वाला है, कुछ पता नहीं क्या शूट होगा। बस वी आर गोइंग बनाते हो ना उसका क्लास। हां ठहर रहा है, वी जस्ट गोना स्टैंड बाय फॉर अ मोमेंट। दैट्स फाइन, गाइस वांट टू बी इन द शेड। दैट्स फाइन, नंबर लेफ्ट राइट शॉट। नाम सर का नाम क्या है? हो टेरी, टेरी मिशन जो ले रहा है इंटरव्यू सर, हम टेरी। अब हमारा शूट शायद अनाउंसर है जो शो के टेरी के साथ होने वाला है। Terry is a... But I was about to take that. Can you feel it? Can you feel it? Sorry. As if you've arrived here, you'll be standing on this venue with this thing. Yeah.
I promised me $50, but I don't know about the rest of you guys. Sorry, I'll Venmo you. यहाँ पर शूट चल रहा है और शूटिंग मतलब बिहाइंड द सीन्स वगैरह शूट हो रहा है, तो अभी शूटिंग पे tell them that they can record that. So we expect a fairly full audience today. As you know, तो गाइस मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ, मेरा ऑडिशन सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अभी मैं फिलहाल एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ। करीब 4,000 के आसपास दर्शक थे क्योंकि पूरे बैठे हुए थे, सभी के सभी ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया और जो 3 जजेस थे वो भी बहुत खुश थे। उन्होंने बोला ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं देखा अपनी लाइफ में, ऐसा कभी कुछ, बहुत ज़्यादा खुश थे तीनों के तीनों। पर पता नहीं जो साइमन सर थे पता नहीं उन्होंने क्यों बोला कि मेरा एक्ट में कुछ ऐसा लगा नहीं। चलो ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा वो बात, वो उनकी पसंद है, लेकिन एटलीस्ट मुझे उन्हें मुझे ऐसा बोलना तो चाहिए था कि मेरा एक्ट में क्या कमी थी क्या नहीं थी, ताकि आगे जाकर मैं कुछ सुधार करता, कुछ उसमें कुछ नया करता। बाद में मेरा सिलेक्शन तो हो गया है।